हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। तो सीबीएसई ने 10 घंटे पहले अपने अपडेट दी है और उसने बहुत कुछ क्लियर किया। 31 मार्च 2020 को उसने अपडेट किया है। इंडिया टुडे की वेबसाइट पर आप ट्रस्ट प्रूफ के साथ देख सकते हो उनके अपडेट को, सीबीएसई ने क्या क्या कहा है। मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूं। तो सीबीएसई ने अपने सब डाउट्स को क्लियर कर दिए हैं, अपने एग्जाम डेट्स को लेकर क्लियर कर दिया है, उसने अपने रिवाइज डेट सीट के बारे में कहा है, रिजल्ट डेट के बारे में कहा है, प्लस नीट और आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम्स के डेट के बारे में भी उसने बहुत बताया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं क्लियर कट इंफॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीएसई ने क्या कहा है। उसने कहा है कि वो रिवाइज डेट प्रिपेयर कर रही है, वह 15 अप्रैल के बाद, मतलब जब हमारा 21 दिन का लॉकडाउन ओवर होगा तो 15 अप्रैल के बाद हमें नया डेट 16 अप्रैल 17 अप्रैल तक मिल सकता है। और वो अगर 16-17 अप्रैल तक अपने डेट्स को रिलीज कर देती है तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल एंड तक अपने सारे एग्जाम्स, कैंसल्ड एग्जाम्स और रिमेनिंग एग्जाम्स बिना गैप के वो कराएगी, मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं देने वाली है। इनडायरेक्टली आपको ये कह रही है कि इस लॉकडाउन में आप जितने भी रिमेनिंग एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन करना मत छोड़िए, आप बिल्कुल भी इस प्रॉब्लम में ना रहिए कि क्या मुझे रिवाइज करूंगी ना करूं, क्या एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। सीबीएसई ने कहा है कि अगर 15 अप्रैल तक लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो वो अप्रैल लास्ट तक अपने सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवा लेगी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज थी 10th एंड 12th वालों के लिए। अब रिजल्ट डेट को लेकर उसकी क्या एक्सपेक्टेशन थी उसको भी उसने क्लियर किया है। कहा है कि सीबीएसई कैपेबल है अपने डेट को, अपने रिजल्ट डेट को एक महीने में अनाउंस करने में। अगर एग्जाम हमारा अप्रैल लास्ट तक वो कंडक्ट करा लेती है तो 25 से 26 मई के बीच में हमें अपना नया रिजल्ट 2020 का देखने को मिलेगा, 10th का भी 12th का भी। मैं अगर 2019 की बात करूं तो 2019 में उसने केवल 25 से 30 दिन लिए थे, मतलब 6 मई को 10th का रिजल्ट आ गया था, बहुत जल्दी। पिछले 10 सालों में इतनी जल्दी रिजल्ट कभी भी नहीं आया था। तो ये सब कुछ था जो आपको ध्यान रखना था। प्लस नीट और आईआईटी के बारे में उसने कहा है कि जो इसके एग्जाम डेट हैं वो मई में भी डिले हो सकते हैं, मतलब जून स्टार्टिंग में हो सकता है नीट और आईआईटी के। एनटीए ने ये इंफॉर्मेशन दी है जो कि नीट और आईआईटी के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। तो होप आपको सब कुछ अपडेट मिल गई होगी और आप प्रिपरेशन भी अपने रिमेनिंग एग्जाम्स को लेकर कर रहे होंगे। बी सेफ यार, घर पे रहो और हमारी जो पैनेडेमिक है इसको रोकने में मदद करो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।